हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। इसका आज 1 अगस्त 2023 को जो दो शिफ्टें थी, दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। दोनों शिफ्ट की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने दोनों शिफ्टों की एनालिसिस नहीं देखी है तो दोनों शिफ्टों की एनालिसिस के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो आंसर की है वो NTA जारी करता है या नहीं जारी करता है, और अगर आंसर की आएगी तो कितने दिन बाद आएगी, चलिए देख लेते हैं। ये जो NTA का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, वो मैंने डाउनलोड कर रखा है और इसमें जो चैप्टर 7 है उसमें मेंशन कर रखा है आप लोगों की आंसर की के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं 7.1। तो प्रोविजनल आंसर की फॉर द MCQ आस्क इन द फेज़ 1 ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। तो आंसर की आएगी और कहाँ पर आएगी, इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट NTA वाली एंड EPFO वेबसाइट, दोनों पर आएगी। इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आफ्टर द कैंडिडेट टू चैलेंज एनी आंसर की ऑफ एनी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को लगता है किसी क्वेश्चन में कुछ एरर है, उसको चैलेंज करना है, उसके लिए आप लोगों की आंसर की जारी की जाएगी। तो अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आंसर की तो आएगी, अब मेन डाउट यह है कि सर आंसर की कब तक आएगी। द प्रोविजनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स देयर शैल बी डिस्प्लेड टू द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट वेबसाइट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 days। मीन्स आप लोगों की जो आंसर की है वो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर रखा है 2 to 3 days, तो 2 से 3 दिन के बीच आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। आज 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, तो 3 या 4 तक आप लोगों की आंसर की जारी कर दी जाएगी NTA की ओर से। तो ये था डाउट आप लोगों का NTA आंसर की के रिगार्डिंग, कि आंसर की आती है कि नहीं आती है। तो NTA आंसर की जारी करता है और 2-3 दिन में आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। जैसे ही आंसर की आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।